जानिए सबसे पहले किसने रखा था नवरात्रि में 9 दिन का व्रत। क्या आप जानते हैं कि साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है? सभी का अलग अलग महत्व है। यहाँ जानिए क्या है नवरात्रि पर्व की कथा। नमस्कार मित्रों, कमेंट में जरूर लिखें जय माँ दुर्गा। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलिएगा। नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। यह नवरात्रि काफी शुभ फल देने वाली है क्योंकि इस साल माता रानी हाथी पर सवार होकर आई हैं। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों को पूजा जाता है। इन 9 दिन आप माता की सच्चे मन से पूजा अर्चना कर अपने घर से सारी नकारात्मकता और जीवन की सारी बाधाओं को खत्म कर सकते हैं। मान्यता है कि नवरात्र के दिनों में पूजा पाठ से जीवन की तमाम बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्र के इन 9 दिनों में दुर्गा माँ के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। क्या आप जानते हैं कि साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है? सभी का अलग अलग महत्व है। यहाँ जानिए क्या है नवरात्रि पर्व की कथा। हिंदू धर्म में मान्यता है कि एक साल में कुल 4 नवरात्रि होती हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। माघ और आषाढ़ माह में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। वहीं मुख्य रूप से 2 नवरात्रि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि मनाई जाती हैं। इन दोनों उत्सवों को बड़ी संख्या में लोग मनाते हैं। कई सामाजिक और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। इन दोनों में से भी शारदीय नवरात्रि के मौके पर पूरे देश में उत्सव का माहौल होता है, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालु कई जगह माँ दुर्गा के प्रतिमा की स्थापना करते हैं और उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इसके साथ ही कई जगह इस मौके पर डांडिया होता है। गुजरात में लोक मान्यता है कि डांडिया करने से माता प्रसन्न होती हैं। व्रत और जगराते की है परंपरा। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने और व्रत रखा जाता है। कई जगह लोग जगराते करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान माता रानी धरती पर आती है और 9 दिन अपने भक्तों के साथ धरती पर वास करती हैं। इस दिनों में वह भक्तों की हर मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नवरात्रि व्रत की कथा। यह सवाल कई लोगों के मन में आता होगा कि नवरात्रि का व्रत कब और किसने शुरू किया। तो बता दें कि हिंदू धर्म के वाल्मीकि पुराण में इस व्रत का महत्व बताया गया है। श्री देवी महापुराण दुर्गा पुराण के अनुसार भी एक कथा प्रचलित है। आज हम आपको ये दोनों कथाएं बताने जा रहे हैं। वाल्मीकि पुराण में वर्णित कथा। सबसे पहले भगवान श्री राम ने ऋषिमुख पर्वत पर आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक परम शक्ति महिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की थी। इसके बाद दशमी तिथि के दिन उन्होंने किष्किंधा पर्वत से लंका जाकर राक्षस रावण का वध किया था। इस पूजा के दौरान भगवान श्री राम ने माता देवी से आध्यात्मिक बल की प्राप्ति, शत्रु पराजय व कामना पूर्ति के का आशीर्वाद लिया था। यह बात त्रेतायुग की है। इस प्रकार नवरात्रि का व्रत सबसे पहले भगवान श्री राम ने शुरू किया था। क्या है श्री देवी महापुराण दुर्गा पुराण की कथा। एक बार बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी के बीच चर्चा हो रही थी। इस दौरान बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत के महत्व और फल के बारे में पूछा। इसके जवाब में ब्रह्मा जी ने बताया, हे बृहस्पति, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। पीठत माँ दुर्गा का सच्चा भक्त था। उसके घर सुमति नाम की कन्या ने जन्म लिया था। पीठत हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था। इस दौरान उसकी बेटी उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति पूजा के दौरान मौजूद नहीं थी। वह सहेलियों के साथ खेलने चली गई।
इस पर पीठत को गुस्सा आया और उसने पुत्री सुमति को चेतावनी दी कि उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करवाएगा। पिता की ये बात सुनकर सुमति आहत हुई और उसने कहा, हे पिता, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो, जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। सुमति की यह बात सुनकर पीठत को और ज्यादा गुस्सा आया और उसने पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ करा दी। इसके साथ ही पीठत ने अपनी पुत्री से कहा कि देखता हूँ भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। इसके बाद सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। उसकी दयनीय स्थिति देखकर माँ भगवती प्रकट हुई और कहा कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से प्रसन्न हूँ, इसलिए जो भी वरदान चाहिए मांग लो। इस पर सुमति ने माँ भगवती से पूछा कि उसने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया है। जवाब में माँ भगवती ने कहा कि पूर्व जन्म में सुमति निषाद भील की स्त्री और पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारा पति चोरी की वजह से पकड़ा गया। इसके बाद सिपाहियों ने तुम दोनों पति पत्नी को जेल खाने में कैद कर दिया। तुम दोनों को जेल में भोजन भी नहीं दिया गया। तुमने नवरात्र के दिनों में न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस तरह 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। माँ भगवती ने आगे कहा कि तुम्हारे उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इसके बाद सुमति ने माँ भगवती से कहा, हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे विनती है कि मेरे पति के कुष्ठ को दूर कर दीजिए। माता ने सुमति की मनोकामना पूरी कर दी। इसके बाद सुमति ने माँ भगवती की आराधना की। प्रसन्न होकर माँ भगवती ने कहा कि तुम्हें उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। इसके बाद माँ भगवती इस पर माँ भगवती ने अपने भक्तों को बताया कि जो भी चैत्र या अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिन तक व्रत रहेगा और घट स्थापना करने के बाद विधि अनुसार पूजा करेगा, उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी।